हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव सचदेवा एंड गिल्प एंड ऑर्डर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं तुहाडा सब का स्वागत करता हाँ। अज मैं जेड़ा टॉपिक लेके आया यह है प्रॉब्लम्स। आप अज प्रॉब्लम्स करांगे मेंसुरेशन 3D दियां। जिवें कि मैं पिछले सैशन दे विच पिछली वीडियो दे विच मैं तुहानू मेंसुरेशन 3D दे सारे फॉर्मूले करवाए ने, जिदे विच क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हैमी स्फीयर सब दे फॉर्मूले थे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दे। अज उन्हां ते ही मैं सिलेंडर ते क्यूब वगैरह से तुहानू की करवाण लग्गिया, तुहानू मैं प्रॉब्लम्स करवाण लग्गिया। इन्हां च वध चढ़ के पाठ लो ते वध तों वध इस वीडियो नू शेयर कर दो ताकि वध तों वध अपने स्टूडेंट्स इस पार्ट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकन। ते अज बहुत कुछ तुहानू नवा पता लगूगा क्वेश्चन दे विच, तां तुसीं नाल नाल क्वेश्चन सॉल्व करन बारे देखना, नाल नाल इन्हां नू सॉल्व करना ते आंसर अपने कमेंट बॉक्स दे विच शेयर कर दे। सब तो पहला क्वेश्चन मैं तुहानू जिहड़ा करवाण जा रहा हूं है, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ने दो ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक क्वेश्चन दे विच हुंदा की है, तुसी स्टेटमेंट जिवें दित्ती जा रही है उवें ही स्टेटमेंट दे हिसाब नाल तुसी फॉर्मूला पुट करदे जाओ ते तुहाडे क्वेश्चन अपने आप हुंदे जाणगे। देखो वो कहिंदा टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर ने वॉल्यूम दोनों का सेम है। जे दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम की हुंदा सिलेंडर का पाई आर स्केयर एच। जिस सर्कल सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, रेडियस का अलग अलग हो सकता है दोनों का, एदा रेडियस मान लो R1, एदा रेडियस मान लो H1, इट इक्वल टू पाई R2 दी स्केयर H2। दोनों का वॉल्यूम की हो गया जी, बराबर हो गया। पहले का वॉल्यूम पाई R1 स्केयर H1, पहले दी रेडियस हैगी R1 ते हाइट हैगी H1, दूजे की रेडियस है R2, हाइट है H2, तो दोनों का वॉल्यूम अपना निकाल लिया बराबर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा सिर्फ ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इतने तक तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उस बाद की कहना, हैव देयर हाइट इन रेशो 1:2। तो हाइट की है जी, एक की मान लें एक, दूजे की मान लें दो, 1:2 के हाइट है 1:2। तो एक की हाइट है जी पाई R1 स्केयर H1 की है जी एक, इतने पुट कर देने एक, ते दूजे की है जी पाई R2 स्केयर H2 कि है जी 2। हाइट दोनों की एक ते दो दी रेशो है, वो अपने पुट कर ली। हुण फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस की रेशो अपने पता करनी है, की करांगे जी पाई नाल पाई कैंसल। उस तो बाद R1 स्केयर मल्टीप्लाई 1 हो गए, R1 स्केयर ही आ गया, इक्वल टू 2R2 दी स्केयर। क्लियर है जी गल। उस तो बाद रेशो की आई दोनों की, R1 स्केयर बाय R2 स्केयर इक्वल टू 2:1। R2 दी स्केयर मैं नीचे ले गया, इतने कुछ नहीं जी, मतलब एक है बटा एक इतने आ गया। हुण की आया जी R1, हुण स्केयर रूट करना पेगा, अपने रेडियस की रेशो पूछी है, उन्हें पूछी का रेशो है रेडियस की, रेडियस दे स्केयर दी रेशो नहीं पूछी अपन, तो दोनों पासे अपन हुण की कर देंगे स्केयर रूट। तो इतने जो स्केयर रूट होगा, एदा स्केयर कैंसल हो जूगा, तो एदा स्केयर कैंसल हो जूगा, तो इतने की आ जूगा स्केयर रूट। एदा स्केयर जो करांगे स्केयर रूट, दोनों के स्केयर कैंसल हो जाएंगे स्केयर रूट नाल, तो इतने अपना स्केयर रूट आ गया, दोनों पासे स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट बोथ साइड। फिर की आ गई जी R1 बाय R2 कितनी आ गई अपने को, √2 की रूट की होंगी 1। तो अपने को आंसर की आया जी √2:1। अपने को पहला क्वेश्चन थी सिंपल, तुम्हें की किया वॉल्यूम उन्होंने क्या इक्वल रख लो, वॉल्यूम ने इक्वल रख लिया, एदा रेडियस होगा R1, एदा H1, एदा R2 H2, वॉल्यूम बराबर रखिया, H1 हाइट की रेशो उन्हें दी है 1:2, तो यदि हाइट में मान लिया 1, यदि हाइट में मान लिया 2, तो पाई नाल पाई सीधा कैंसल, कोई सोल्व करने की लड़ नहीं, पाई नाल पाई कैंसल, R1 × 1 इज इक्वल टू R2 दी स्केयर × 2 ए वाला। तो हूँ अपने रेशो करनी है, R2 नू स्केयर नू इतने नीचे ले आए, ए 1 नू इतने नीचे ले गए, हूँ इतने आ गए स्केयर R1 स्केयर डिवाइडेड बाय R2 स्केयर। अपने रेशो का नहीं करनी, कल रेडियस की उन्होंने स्केयर ही नहीं करनी, तो दोनों पासे स्केयर रूट किया, स्केयर नाल स्केयर रूट कैंसल, इतने आ गए √2:1। आ हो गया जी पहला सवाल, तुहाडा इजी तुहानू समझ आ गया होगा।
जे समझ आ रहा तुहानू वध तों वध इहनू शेयर करदे रहो सैशन नू ताकि वध तों वध इसका फायदा उठा सकण बच्चे। इस तों अगला क्वेश्चन तुहानू करवाउण जा रहा मैं, अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ टू सिलेंडर, दो सिलेंडर ने, सिलेंडर होंगे कि मैंने जी आ दो सिलेंडर, एक आ बनिया हुआ एक आ बनिया हुआ, इन्हों का बेस का रेडियस होंगे आ बेस ने दोने आ बेस ने दोने, आ की है जी हाइट, आ की है जी हाइट, बेस ऑफ सिलेंडर का रेडियस है जेड़ा ए सिलेंडर है ए ते आ सिलेंडर है बी, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टू सिलेंडर ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2, एदा रेडियस हैगा ए दोनों का रेडियस की है, रेडियस की रेशियो मैं इतने लिख रहा रेडियाई की है 3:2 च है, रेडियस की है जी 3:2, अगे की कहता जी एंड देयर हाइट, तो इन्हों की हाइट है जी, जी इन्हों की हाइट है हाइट वो कि रेशो च है जी 1:1, रेडियस दो सिलेंडर ने उन्हां दी रेडियस दी रेशो हैगी 3:2 ते हाइट दी रेशो हैगी 1:N। बहुत वधिया सवाल है जी, ध्यान नाल समझो 1:N। उस तो बाद की कहता कहता जेड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम है सिलेंडर ए दा बी नालो 3 गुण है, वॉल्यूम की है जी, वॉल्यूम की है सिलेंडर ए दा बी नालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज 3 times सिलेंडर बी, बी दे वॉल्यूम बी सिलेंडर नालों ए दा सिलेंडर दा वॉल्यूम है जेड़ा वॉल्यूम वो की है जी 3 गुण है, तो हुण की कह रहे हो फाइंड अपने की करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन नू अपा ने की करना है जी फाइंड करना है, फाइंड एन एन नू अपा ने फाइंड करना, क्वेश्चन क्लियर है, दो सिलेंडर ने ए ते बी उना दे रेडियस ने 3:2 च, हाइट है जी 1:1 ते वॉल्यूम जेड़ा ए दा ओ बी नालो 3 गुण है। हुण मैं तुहानू जिवें कहा सी स्टेटमेंट दे हिसाब नाल तुसी क्वेश्चन पहला उतारन लग जाणा, तुहानू इत्थे देख के क्वेश्चन की लग रहा होगा थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखो जी अपने को ऑप्शन है कि 4:3 4/3 होगी एन दी वैल्यू, बी ऑप्शन है अपने को 2/3 2/3, सी ऑप्शन है अपने को 3/4 ते डी ऑप्शन है अपने को 5:4 5/4 आ ऑप्शन है, एन दी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं तुहानू कहा जिवें क्वेश्चन देता है वो नाल नाल उतार दो, पहला वॉल्यूम का अपने को फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच, वो कहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का जिहड़ा वॉल्यूम है पाई आर वन, रेडियस नू आर वन मनूंगा पहले ए सिलेंडर पास आर वन की स्क्वेयर ते एच वन, वो की है जी वॉल्यूम ए का बी नालो 3 गुणा, बी का जिहड़ा वॉल्यूम है 3 गुणा बी का वॉल्यूम, आ बी का वॉल्यूम है जी ओदा जो 3 गुणा करांगे वह किदे बराबर आ जूगा ए दे वॉल्यूम दे। तुहानू क्लीयर है क्वेश्चन, तुसीं स्टेटमेंट तो पहले ये गल बना ली, पाई नाल पाई तो पहले ही कैंसल ही कर दो, पाई की अपन तो लोड़ ही नहीं पहला। उस तो बाद जी आर वन आर वन पहला रेडियस ए का किन्ना है 3, इन पढ़ देने 3 दी स्क्वेयर ते एच किन्ना है जी, इहदा हाइट किन्नी है एन, एच वन मानिया एन इक्वल है 3 का पहला पा लो गुणा आर टू कि जी 2 दी स्क्वेयर गुणा एच टू कि जी अपने को 1 इतने पा लो 1, क्लीयर। हूं की आ गया जी 9N इक्वल टू 3 गुणा ए आ गया 4 3 गुणा 4 12 9N इक्वल टू 12 तो एन कि आजगा जी 12/9 इनू कटांगे 4/3
सिंपल आंसर आ गया। तुसी ये देखोगे तुसी घबराओ ना, बस क्वेश्चन नू सीधा स्टेटमेंट ओवे दी ओवे पुट कर दो ते स्टेटमेंट दे हिसाब नाल ही क्वेश्चन नू सॉल्व करना शुरू कर दो। स्टेटमेंट बस इन्नी की चीज करनी है, फाइनल भाई कुछ सॉल्व नहीं करना पे, सीधा एन दी वैल्यू अपनी आई 4/3। आ सारे कोई ना कोई पेपर च आए हुए सवाल ने, कोई ना कोई पेपर दे विच आए ने सवाल। इस तो जे तुहानू एक क्वेश्चन समझ आ गया होवे तां इस तों अगले क्वेश्चन ते वधदे आ आपां। अगला क्वेश्चन देखो जी, कुछ होर तुहानू चीज समझ आऊगी कोई। देखो जी अगला क्वेश्चन, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मैं तुहानू दस्या सी पिछली वीडियो च कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर इज, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस तो बाद कहता एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज, हाइट इज 16 सेंटीमीटर। कढ़ना की है जी अपने, फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम। तुहानू बस मेन इस है फॉर्मूले, फॉर्मूले पहला सब सारे याद होने चाहिए हैं। 45 45 44 55, 45 45 20 44 55, सी 55 44, ते डी 54 45। अब क्वेश्चन नु किवें करोगे जी, तुहानू पता है जी वॉल्यूम, जेड़ा वॉल्यूम होंदा है ओदा फॉर्मूला की होंदा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दा पिछले आपां कीते ही आ हुणी। वॉल्यूम दा फॉर्मूला हैगा पाई आर डी स्क्वायर एच, ते लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया दा फॉर्मूला की है सिलेंडर दा, वो हैगा जी अपने कोल 2πRh। एदे विच की है जी आपां नूं 2πRh दी वैल्यू देती उहने 1056, ते हाइट भी देती 16, हाइट भी देती 16, ते पूरे दी वैल्यू 1056। एदे वास्ते अपने कोल वॉल्यूम कढ़न वास्ते हाइट तां उहदी गिवन ही है, वॉल्यूम कढ़न वास्ते हाइट तां आपां नूं देती उहने 16, आपां नूं बस चाहिदा रेडियस। रेडियस किहदे तों कढ़ांगे आपां, एदे तों। 2πRh की वैल्यू की दी है जी उन्हें कर्व्ड सरफेस एरिया की 1056, आम दिता पाया 1056 लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। 2πRh 1056, तो तुसी एच की वैल्यू तुहानू पता है 16, पहला तो इतने की भरांगे जी आपां, ये सब नू उधर ले लिए, आर नू इधर रख दिए, 1056 बटे आ दो नीचे गुणा हाइट भी नीचे, हाइट है कि 16 भी नीचे आ गया जी, गुणा पाई की वैल्यू 2/7, 2 इथे 7 चला जाऊगा उपर, 2/7 आऊगा उपर चला जाऊगा। हुण ए दोने 1056 ते 2 दोने 11 दे टेबल ते जांदे आ, ठीक है जी। 11 दा डिविजिबिलिटी मैथड तुहानू पता ही होगा किवें कढ़दे आ आपां, ये आजूगा जी 96 ते, 96 तों बाद तुसीं हुण इहनू ए दोनां नू कट दो, 4 बन गया, 4 दे टेबल ते इथे 24, ते 4 दे टेबल ते दोबारा इहनू कढ दो, ये 6 ते गया, ये गया 4 ते, इहनू इहदे नाल कट्टिया ए गया जी अपने कोल अपना 3 ते, ते आ गया 2 ते। हुण कितना बन गया जी आर, कितना आ गया अपने कोल 21/2, 21/2। हुण वॉल्यूम करना है तुसी, सीधा आर दी वैल्यू इहदे विच पुट कर दो, किन्नी आऊगी जी 2/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा हाइट हैगी है जी 16। जदों इहनू इहदे नाल कट्टांगे ए गया 4 ते, 7 नूं इहदे नाल कट्टिया ए गया 3 ते, तो हूँ जब इन्हों सब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ मल्टीप्लाई रह गया, मल्टीप्लाई करके आजगा ताडा जी 55/44 आंसर, 55/44 आंसर आ गया जी। जिन्हों ने ठीक होया बहुत वधिया कर रहे ने, अगले भी सवाल ऐदा ही करते रहो। अगला सवाल करन जा रहे हैं, मैनू उम्मीद है यह सवाल तुहानू समझ आ गया होगा। अगला सवाल क्यूब की है जी, देखो अगला क्वेश्चन की है,
इफ डायगनल ऑफ एरे विच बहुत तुम वधिया चीज समझ आऊगी इफ डायगनल ऑफ ए क्यूब इज रूट 12 सेंटीमीटर डायगनल जेड़ा क्यूब दा वो 12 सेंटीमीटर दा ते अगे कहना देन इट्स वॉल्यूम फाइंड इट्स वॉल्यूम उदा वॉल्यूम अपा पता करना है वॉल्यूम एते ऑप्शन दिते हुए अपन नु 8 बी हैगा 12 फिर 24 फिर हैगा जी क्यूब रूट टू हूं कि कटा गे जी तुम पता है जी क्यूब की होंगे जी अपने को क्यूब इस तरह का होंगे मैं जो तुम रैक्टेंगल कराया थी रैक्टेंगल ते स्क्वायर का जो मैं डायगनल तुम कराया थी उदो मैं तुम दसिया थी भी जे कमरे के लोंगेस्ट रोड आनी हो लोंगेस्ट रोड कमरे च कि आऊगी पिछले वीडियो च मैं तुम फॉर्मूला दसा जी एक कमरे च लोंगेस्ट रोड का फॉर्मूला की होंगे डायगनल ही होंगे जी वह होंगे जी अपने को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लोंगेस्ट रोड इन ए रूम कि लोंग रोड अपने रूम के फिट आ सकती है वह फार्मूला से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर वह किसे वास्ते थी क्यूबाइड वास्ते जिदे लंबाई चौड़ाई से उचाई अलग अलग होंगे ने पर अपने को क्यूब जो होंगे क्यूब की लंबाई चौड़ाई से उचाई वह तीन की होंगे ने बराबर होंगे ने तो एल स्क्वायर भी ए स्क्वायर आऊगा बी च भी ए आऊगा एच भी ए आऊगा तो यह फार्मूला की बनेगा डायगनल का फार्मूला क्यूब के डायगनल का फार्मूला की बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि यदि लेंथ ब्रेथ से हाइट तीन बराबर होंगे ने तो यह कि बनेगा जी अपने को 3a² तो डायगनल ऑफ क्यूब होंगे जी आ याद रखियो आ की है जी अपने को डायगनल ऑफ क्यूब डायगनल ऑफ क्यूब का फार्मूला बनेगा रूट 3a² किवें बनिया मैं तुम दसदा वो कि बराबर दिता हो डायगनल ऑफ ए क्यूब इज रूट 12 ये रूट 12 के बराबर है क्लीयर है तुम गल रूट 12 के बराबर है डायगनल ऑफ क्यूब हूँ आप कढ़ना की है जी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला की है वॉल्यूम का फार्मूला की होंगे जी अपने को ए क्यूब मैं तुम फॉर्मूले करवाए थे पिछली वीडियो तुम याद होने वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होंगे जी वॉल्यूम ए क्यूब आप ए कढ़ना ए की वैल्यू जो निकल गई तो वह क्यूब कह लेंगे अपने को वॉल्यूम आजगा हूँ कि कटा इतने रूट थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 12 रूट का रूट दोनों पास कैंसल अपने को आ गया 3a² इक्वल टू 12 तो ए स्क्वायर की आ गया अपने को 12/3 ए आ गया जी 4 तो ए की वैल्यू की आ गई अपने को जी रूट 4 तो आजगी 2 सेंटीमीटर 2 आ गई तो वॉल्यूम कढ़ना है वॉल्यूम का फॉर्मूला ए दी क्यूब वॉल्यूम की आऊगा जी अपने को 2 दी क्यूब कि होंगे जी 8 सेंटीमीटर तो अपने को 8 सेंटीमीटर क्यूब तो अपने को वॉल्यूम कि आया जी 8 सिंपल फॉर्मूला लाना थी डायगनल तुम याद होना चाहिए क्यूब का डायगनल होंगे रूट 3a² उन्होंने डायगनल दिता है रूट 12 उ स्टेटमेंट नुट करके स्टेटमेंट बनाई जानी है आई इक्वेशन बनी ए की वैल्यू कभी ए का क्यूब किता सिर्फ 10 सेकेंड का सवाल है ठीक है जी इस तो बाद आखिरी सवाल करा जा रहा मैं अज का मैं तुम अज का आखिरी सवाल पा जा रहा आखिरी सवाल की है जी देखो ये जो वीडियो तुम पसंद आ रही होनू वो शेयर लाइक करते रहो आखिरी सवाल की है जी इफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज इन रेशो 27:1 जे दो क्यूब्स का वॉल्यूम 27:1 विच होवे तां फाइंड द रेशो ऑफ देयर एज लेंथ तां एज लेंथ दी रेशो अपने फाइंड करनी
ए ऑप्शन दिते हुए ने तुहानू 3:1, दूजा ऑप्शन है जी अपने कोल 27:1, तीजा ऑप्शन है जी 1:3, चौथा ऑप्शन है 1:27। तो सब तो पहला जिवें मैं तुहानू कह रहा जिवें तुहानू दिती हुंदी है जी अपने कोल स्टेटमेंट आउंदी है उसे तरह पुट कर दे रहे ने। सब तो पहला एज लेंथ दी इश वॉल्यूम आपां ने रेशियो करनी है। एज लेंथ की हुंदी है जी क्यूब दी, एज लेंथ होंगी है लेंथ ब्रेथ हाइट जी बराबर होंगी उ ए जी होंगी है वह एज लेंथ होंगी है। तो वॉल्यूम का तुम फॉर्मूला पता ही है ए क्यूब, तो पहले का यह दोनों की रेशियो दी हुई है। पहले की एज लेंथ मान लें जी आप ए वन, तो दूजे की एज लेंथ मान लें आप ए टू, ठीक है जी। तो वॉल्यूम की है जी ए वन की क्यूब पहले का वॉल्यूम, तो दूजे का वॉल्यूम की है ए टू की क्यूब। पहले का वॉल्यूम की है जी 27, ते दूजे का वॉल्यूम की है जी 1। तो एज लेंथ की आऊगी जी अपने कोल, एज लेंथ की आऊगी ए वन की आऊगा जी क्यूब रूट 27, ते ए टू की आऊगा जी अपने कोल क्यूब रूट 1। तो की कटांगे जी ए वन की आजूगा जी 3, 27 का क्यूब रूट कटांगे, ए 27 नूं आपां 3 वार तोड़ांगे, 3 × 3 × 3, तो 27 का क्यूब रूट आजूगा जी अपने कोल 3, ते ए टू की आऊगा जी क्यूब रूट 1 का 1, तो ए टू आ गया 1, ठीक है जी। एज लेंथ की रेशो करनी थी, ए वन आ गया 3, ए टू आ गया 1, तो रेशो की आई 3:1। तो साढ़े को सिंपली ये काम सोल्व हो गया। आज सवाल तो देखने जी मैंसुरेशन 3D के थोड़े डिफिकल्ट जे लगते हैं, पर तुम स्टेटमेंट जिस तरह दी होंगी है उसे तरह स्टेटमेंट के हिसाब से चली जाओगे तो बहुत आसानी नाल सारे सम सोल्व हो जाएंगे थोड़े को। इसे नाल ही आपां अज दा सैशन खत्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करदा तुहानू बहुत पसंद आया होगा, तो चंगी तरह समझ भी आया होगा। जे तुहानू पसंद आया तो जरूर इसनू लाइक ते कमेंट करके शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।